स्ट्रॉबेरी पार्ट थ्री। अगर आपने ग्रीन गार्डन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों, मैं शहरोज़ और वेलकम करता हूँ आपको ग्रीन गार्डन चैनल में, और उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में खूब अच्छे से बिज़ी भी होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा स्ट्रॉबेरी प्लांट पर। यह मेरा वही स्ट्रॉबेरी का प्लांट है जिसे मैंने फ्रूट भी हार्वेस्ट किया था और इस पर दो वीडियोज़ भी बन चुकी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो देखने को मिलेगी। स्ट्रॉबेरी का प्लांट सर्दियों के सीज़न में बहुत अच्छी ग्रोथ करता है, लेकिन ये मेरे पास गर्मियों में भी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है और अब इसको रनर्स भी लग रहे हैं, ये देखें। और ये इसके साथ इसकी रूट्स भी हैं। इसको मैं यहाँ से काटूंगा नहीं, इसको यूं ही मिट्टी में लगा दूंगा और ये यहीं से ही अपनी ग्रोथ शुरू कर देगा और मेरे पास एक और प्लांट बन जाएगा इसका। और एक और इसका ये रनर लगाया था मिट्टी में, इसने भी अपनी यहीं से ग्रोथ शुरू कर दी। इसके नए पत्ते भी आ रहे हैं और ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। ये देखें एक और रनर। मैंने तो सोचा था कि ये स्ट्रॉबेरी का प्लांट सूख जाएगा और मैं इसकी रूट्स निकाल के सेव कर लूँगा, लेकिन ये ग्रोथ बहुत अच्छी कर रहा था, मैंने इसलिए निकाला नहीं इसको। और अब तो इसको रनर्स भी लग रहे हैं, तो चलिए इसके रनर्स को मिट्टी में लगा लेते हैं। ये एक थर्मापोल के बॉक्स में मैंने मिट्टी भर लिया और एक नीचे इसके ईंट रख दिया। अब इसके रनर को मिट्टी में लगा देता हूँ यूं ही बस। लीजिए इसके रनर्स मैंने मिट्टी में शिफ्ट कर दिए हैं, इनके साथ ही इनको मिट्टी में लगा दिया था। एक प्लांट से हमारे चार प्लांट बन चुके हैं। अगर आपके पास भी अभी स्ट्रॉबेरी प्लांट है और नहीं वो सूखा तो आप भी उसके रनर यूं ही मिट्टी में शिफ्ट कर दें तो वो वहीं से ही ग्रोथ शुरू कर देंगे अपनी। जिनके स्ट्रॉबेरी प्लांट सूख चुके हैं वो नेक्स्ट सीज़न में मिट्टी से ना निकालें और उनको गर्मियों के सीज़न में सिर्फ शेडी एरिया में रखें और वो वहीं अच्छी ग्रोथ करता रहेगा और रनर्स भी देगा आपके। जब ये अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देंगे इसमें, तब मैं आपको अपडेट भी दूंगा इसकी। इसको मैंने गर्मियों के सीज़न में शेडी एरिया में रखा और ये वहीं अच्छी ग्रोथ करता रहा और रनर्स भी देता रहा। आप भी अपने स्ट्रॉबेरी प्लांट के यूँ रनर लगाते जाएँ मिट्टी में और उनसे कई प्लांट्स बनाते जाएँ। अब मैं चलता हूँ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अगर सब्सक्राइब कर ही रहे हैं तो बेल आइकन को भी दबा देना ताकि गार्डनिंग के रिलेटेड डेली वीडियोस आपको मिलती रहें।